हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स हैं, आपके जो जितने भी आपके मोबाइल के अंदर एप्स हैं उनके सारे अपडेट्स आपको यहां पर दिख जाते हैं। बट क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल डेटा से डाउनलोड ना होकर आपके वाईफाई से डाउनलोड हो, वो सेटिंग कैसे करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका जो प्ले स्टोर है वहां पर अगर आपके एप्लीकेशन के अपडेट आ चुके हैं वो आपको मोबाइल डेटा से डाउनलोड ना करकर वाईफाई से डाउनलोड करना है, वो सेटिंग कैसे करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्ले स्टोर है आपका यहाँ पर उस पर क्लिक कर देना है। प्ले स्टोर के अंदर आप जब जाते हो तो यहाँ पर पेंडिंग डाउनलोड आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएंगी। तो हम लोग अभी इसको शुरू से चेक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर लॉग इन करते हो आपके प्ले स्टोर के ऊपर तो आपको कुछ ऐसा UI दिखता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो जिस ID से आपने लॉग इन करके रखा है यहाँ पर उसका आइकन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा UI आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपने सेटिंग्स पर क्लिक किया यहाँ पर आपका एक सेटिंग्स का जो पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क प्रेफरेंस में आपको ये वाला ऑप्शन है वो इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस आपको कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली आवर वाईफाई ओनली, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो अपडेट्स एप्स यहाँ पर जाना है आपको, और जो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपको वाईफाई ओनली वाला सिलेक्ट कर लेना है, और साथ में ये नीचे वाला भी आपको ये वीडियो वाला जो ऑप्शन है ये भी आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है वाईफाई के ऊपर। जब भी आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा और आपके जो अपडेट्स हैं एप्लीकेशंस के वो आपको मिलेंगे तो वो आपके मोबाइल डेटा पर ना जाकर आपके वाईफाई पर जाएगा और वहां से उसको अपडेट कर लेगा। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां हम लोग ने वाईफाई ओनली सिलेक्ट कर लिया है और यहां पर मेरा वाईफाई भी ऑन है। तो हम लोग अभी इसको डाउनलोड करेंगे, यहां पर बैक करेंगे। बैक करने के बाद वापस से आपको यहां पर आइकन पर क्लिक कर देना है और यहां पर मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर जाना है। यहां पर आपको सारे जितने भी एप्लीकेशन के आपके अपडेट है यहां पर मिलेंगे। यहां पर सी डिटेल्स पे जाना है। यहां पर हमारा भी इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को ही हम लोग अपडेट करते हैं, सेकंड वाला ले लेते हैं, 11 MB का है, जल्दी हो जाएगा। यहां पर जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड पर लगाया तो यहां पर ये डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यहां पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और यहां पर उसने इंस्टॉलेशन भी अपना डन कर दिया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये सेटिंग्स करना है कि आपका मोबाइल डेटा पर ना जाकर आपके वाईफाई से कनेक्ट हो ये एप्लीकेशन जब भी डाउनलोड हो तो यहां पर आपको वो सेटिंग्स कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो टॉप पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।